Hey guys, welcome back to Sartaj Stories. आज की वीडियो बहुत ज्यादा खास है, खास तौर पे उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए जिनके एग्जाम्स या तो आ रहे हैं या चल रहे हैं या फिर आने वाले हैं और वो बहुत ज्यादा तैयारी कर रहे हैं। वैसे तो लोग सेलिब्रिटीज से मिलते हैं, अलग अलग बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज से मिलते हैं, लेकिन मैंने सोचा है कि मैं इस बार मिलने वाला हूँ टॉपर्स से। अब मेरे साथ कुछ टॉपर्स हैं, 10th के भी टॉपर्स हैं और 12th के भी टॉपर्स हैं, सो टू टाइम टॉपर्स हैं, ऑनलाइन में भी टॉपर्स हैं, ऑफलाइन में भी टॉपर्स हैं, सीबीएसई के टॉपर्स हैं, सो इनसे मैं बात करने वाला हूं। मेरे साथ हैं अर्शद पाशा और ट्विंकल चौरसिया। तो आज मैं इनसे पूछने वाला हूं कुछ सवाल और पूछूंगा ये कि कैसे इन्होंने टॉप किया और कौन कौन सी चीजें इन्होंने खाई, कौन कौन सी चीजों की प्रैक्टिस की, वो सारी चीजें आज इनसे जानेंगे। और मुझे बताना क्या बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ योर एनर्जी। ठीक है, तो चलिए फिर जल्दी से सवालों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा भाई कि आपने क्या टॉप किया है, कितने कितने सब्जेक्ट्स में, क्या क्या आपके कितने कितने मार्क्स आए, तो ट्विंकल से स्टार्ट करते हैं। ट्विंकल आप प्लीज मुझे बताओ 2010 की बात बताओ, जब आप 2019 की, जब आप 10th में थी एंड 2021 अभी 12th पास आउट किया आपने। 2019 में जब 10th में तो मैं मैथ्स में सबसे हाईएस्ट मार्क्स से 97। वाओ। और 2021 में जब मैंने 12th कंप्लीट की थी तब मैं तो उसमें अकाउंट्स में थे 94 एंड 97 मैंने दो बार टॉप किया था 2019 और 2021 में। 2019 में 10th में मेरे सबसे ज्यादा मैथ्स में आए थे जिसमें 93 थे मेरे हाईएस्ट, और इस साल 2021 में 12th में अकाउंटेंसी में 96 आए थे, 96 और ओवरऑल परसेंटेज भी 96% ही थी। ओके, ओवरऑल परसेंटेज भी 96 थी। यस, कमाल यार, मैं 96 कभी सोच नहीं सकता अपने सपने, मतलब क्या 50 भी आ जाए ना तो मैं खुश हो जाता था। सबसे पहले हम डायरेक्ट एक मुद्दे पर आते हैं कि आपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कैसे की। हम घुमा फिरा के बात नहीं करेंगे, ऑडियंस को ज्यादा बोर नहीं करेंगे, बच्चे भी आपको देख रहे हैं, आप ही की एज के हैं और जो तैयारी कर रहे हैं, आपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कैसे की। अर्शद आप मुझे बताओ कि जब एग्जाम्स आने वाले थे, चाहे वो 10th बोर्ड सीबीएसई हो, चाहे वो 12th बोर्ड सीबीएसई हो, कैसे प्रिपरेशन की। प्रिपरेशन सीधा सीधा एक वर्ड आता है हमारे जहन में, रिविजन। ओके, बेसिकली हमें क्या करना होता है, हमें रोज जो हमारे टीचर हमको होमवर्क देते हैं उन्हें हमें रोज जाके घर पे करना होता है। अच्छा। इससे क्या होता है, सिलेबस हमारा टाइमली कंप्लीट हो जाता है। हाँ। और इस वजह से जब एग्जाम्स आते हैं तो हम उसे जितना ज्यादा हो सके रिविजन कर पाते हैं। अच्छा। तो मार्क्स गेन करने के लिए सबसे बढ़िया और सबसे अच्छा तरीका है रिविजन करने का। रिविजन, ये चीज तो है, मतलब कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ओके, सो रिविजन एक ऐसी चीज होती है जो वाकई में परफेक्ट बना देती है। सो रिविजन आप करते थे। अच्छा, आपका भी ये रहा फंडा रिविजन। रिविजन, लेकिन टाइम पे सिलेबस पूरा हो तो रिविजन हो ना, इसमें मैं कहता हूँ आपके टीचर्स का भी बहुत बड़ा हाथ है। अच्छा, ये बताओ नोट्स वगैरह प्रिपेयर किया आपने कि भाई बच्चे होते हैं नोट्स तैयार करते हैं, कुछ मार्केट से भी खरीदते हैं, तो नोट्स किया आपने कुछ किए? नहीं, नोट्स तैयार करने इतनी जरूरत नहीं पड़ती थी क्योंकि हम नॉर्मली गाइड ले आते थे मार्केट से और उनमें मार्किंग कर लेते थे। अच्छा। अब जब रिविजन करना होता था तो वो मार्किंग मेन पॉइंट्स होते थे, तो हम ऊपर ऊपर से पढ़ सकते थे, तो वो हमारे लिए और इजी हो जाता। वो भी एक तरीके के नोट्स ही होते हैं। अच्छा, आप क्या करती थी, नोट्स बनाती थी? नहीं, मैं नोट्स नहीं बनाती, मैं तो बुक्स में पेंसिल से मार्क कर लेती थी, फिर वही लास्ट टाइम पे जब मेरे को रिवीजन करनी होता है। यार तुम लोग स्मार्ट हो, मतलब तुम शॉर्टकट अपना रहे हो, तुम बना नोट्स ही नहीं रहे। लेकिन लिख नहीं रहे, लिख नहीं रहे, लिख नहीं रहे, तो उसमें बुक में से कर लेते थे। तो भाई ये सीक्रेट है एक्चुअली इनके टॉप करने का कि रिवीजन किया और नोट्स मतलब तैयार नहीं किए लेकिन मार्किंग की। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स की आदत होती है कि पुरानी ईयर के क्वेश्चन पेपर निकालते हैं, उनको रिवाइज करते हैं, उन पर अपनी प्रैक्टिस करते हैं, सो डिड यू ऑल्सो डू द सेम थिंग? यस, एग्जैक्टली, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, मतलब ये हमें ये बताता है कि हमें कितना आता है। ओके। अगर हम लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स उठा के हम उसे सॉल्व करते हैं तो हमें ये पता लगता है कि हमें ये चीज आती है और ये चीज नहीं आती, जिससे हमें एग्जाम में बहुत हेल्प मिलती है। उसे बहुत हेल्प, ज्यादा ही हेल्प हो जाती है। ये तो है खैर, नहीं मैं मुझे भी टीचर जब मैं अपने एग्जाम्स आते थे तो मुझे ये कहते थे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर निकालो, तो मैं मुझे मिलते नहीं थे, लेकिन आज इंटरनेट है आप लोगों के पास। अच्छा अर्शद, मुझे ये बताओ आपने जो 10th का एग्जाम दिया वो ऑफलाइन दिया, लेकिन 12th के जो एग्जाम दिया वो ऑनलाइन दिया, तो आपके पास, आप दोनों के पास दोनों तरह के एग्जाम्स का एक्सपीरियंस है, मुझे बताओ कौन सा वाला ज्यादा आसान होता है? आसान हमें देखा जाए तो ऑनलाइन ज़्यादा आसान होता है ऑफलाइन के, क्योंकि हम वहाँ पे ऑफलाइन में ये होता है कि कभी कभार बच्चा एग्जामिनेशन हॉल में जाने के लिए लेट हो जाता है, लेकिन ऑफलाइन में वो घर बैठे बैठे टाइम टू टाइम अपना एग्जाम सबमिट करा सकता है। प्रेशर कहाँ ज्यादा होता है? प्रेशर दोनों तरह भी होता है। अच्छा, ऐसा नहीं है मतलब ऑफलाइन में घर पे बैठे हैं, मम्मी खाना तैयार कर रही है, बीच से खिला रहे हैं, आपको मार्क्स स्कोर करने हैं तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो प्रेशर दोनों साइड ही होता है। अच्छा, प्रेशर दोनों साइड होता है। तो आपको लगता है कि ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो तैयारी उसी तरीके से की जाए? अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि ऑनलाइन वाले के पास ज्यादा नॉलेज नहीं होती क्योंकि उसने तो दे दिया होगा देख दाख के, ऐसा होता है क्या? लेकिन जो
स्टडी से कंसर्न होते हैं वो लोग नहीं करते, वो लोग स्टडी को सीरियसली लेते हैं, तो वो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो एग्जाम को सीरियसली लेते हैं, पढ़ाई करते हैं, अपनी लाइफ बेटर बनानी होती है, तो लोग ऐसे नहीं। राइट राइट, नहीं ये बात तो है फिर नहीं, आप तो वैसे अब जो पढ़े लिखे बच्चे होते ना फेस से ही पता लग जाते हैं। अब पता हमारी क्लास में जब मैं स्कूल में था तो मैं पढ़े लिखे बच्चों को मेरे टीचर कैसे बचाते उनके चश्मा लगा होता था, ये एजुकेटेड पढ़ा लिखा ये डफर है, तो अगले बार से मैंने भी चश्मा लगाना शुरू कर दिया, पर फिर भी मैं पिटा, बताओ क्यों? क्योंकि मैं इतना डफर था मुझे नहीं पता कौन सा चश्मा लगाना है। अच्छा मुझे ये बताओ स्टूडेंट्स मोबाइल यूज करते हैं, मैं आप हमारे टाइम पे तो बहुत लेट यूज किया हमने, लेकिन आप लोग ऐसी जनरेशन हो जिनके पास बचपन से मोबाइल फोन है, मतलब बड़े भी हुए मोबाइल फोन चलाते हुए, तो आप लोग मोबाइल फोन यूज करते हो, पहले से बताओ। यस एग्जैक्टली, तो क्या लगता है मोबाइल फोन से टाइम वेस्ट होता है या आपने स्टडी में आपकी हेल्प हुई स्टडी में, आप बताओ ट्विंकल। मोबाइल फोन स्टडी में हेल्प भी करता है क्योंकि बहुत सी नॉलेज हमें इंफॉर्मेशन होती है, हम लोग गूगल से ही सर्च मारते हैं कि जब अच्छा। कुछ नहीं पता होता है बाय चांस कभी पेपर के टाइम पे हम पढ़ने बैठते हैं, और वैसे भी मोबाइल चलाना कोई ऐसी गलत बात तो नहीं है, क्योंकि जब कभी टाइम पास नहीं होता थोड़ा सा टाइम माइंड फ्रेश करना होता है, क्योंकि पढ़ पढ़ के भी एकदम थक ही जाते हैं। हाँ, नहीं ये तो है, थोड़ा सा रेस्ट देना होता है माइंड को, उसको एक शौक होता है इंस्टाग्राम पे या टिकटॉक पे रील्स बनाने का, सो कभी सोचा कि एग्जाम देते देते कभी एक रील बना डाले? नहीं नहीं। अच्छा सोशल मीडिया यूज करती हैं आप? हाँ, फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टाग्राम वगैरह वगैरह, तो कैसे टाइम मैनेज कर पाती हैं अपनी स्टडी को और ये सारी चीजों को? जब कभी जब थोड़ा सा माइंड को फ्रेश करना होता है थोड़ा सा, बस आधा एक घंटा बस। देख लो पेरेंट्स जो कहते हैं ना कि बच्चे को मोबाइल फेल करवाते हैं, मोबाइल भी यूज करते हैं और टॉप भी क्या है, बट लेकिन ये मोबाइल सही तरीके से यूज करते हैं, आपकी तरह अगर सारे बच्चे करने लगे ना तो फिर पेरेंट्स को कहने की जरूरत ना पड़े। हालांकि बच्चे ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं इसलिए पेरेंट्स उन्हें फोर्स करते हैं, बट बच्चों को आपसे सीख लेनी चाहिए कि आपने मोबाइल का यूज किया बट गूगल पर चीजों को सर्च करने में, यूट्यूब पर चीजों को फाइंड आउट करने में एंड उनके बारे में बहुत सारी नॉलेज गेन करने में इस चीज में किया, दैट्स व्हाई यू गाइस आर टॉपर। अच्छा सेल्फ स्टडी एक ऐसी चीज होती है जो बहुत ज्यादा मायने रखती है, टीचर्स भी कहते हैं सेल्फ स्टडी करो, आपने सेल्फ स्टडी की दोनों ने? हां सेल्फ स्टडी बहुत ही ज्यादा मेजर रोल प्ले करती है एक एग्जाम में टॉप करने के लिए या फिर अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए। अगर आप खुद पढ़ रहे हैं, अगर आपको एक टीचर पढ़ा रहे हैं, अगर हम खुद पढ़ रहे हैं तो उन दोनों में काफी फर्क है। टीचर क्या करते हैं, सिर्फ आपको समझाते हैं, लेकिन उसे ठीक से समझना, उसको याद रखना आपका काम है। तो ये सबसे ज्यादा मेजर रोल प्ले करता है सेल्फ स्टडी में। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो यानी आपको सब आता है। आपने कैसे की सेल्फ स्टडी? जो हमने पढ़ा डेली, जो भी पढ़ा बस उसको डेली जाके रिवीजन कर लो। अच्छा, उससे वो दिमाग में बैठ जाता है फिर अच्छे से। हाँ ये तो है, मतलब जाना मतलब खुद भी पढ़ लो तो ज्यादा अच्छा रहता है। अच्छा एक और इंटरेस्टिंग सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, कई बच्चे ऐसे होते हैं जब एग्जाम में जाते हैं, एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं एग्जाम देने, तो जो वो पढ़ के गए वो आता नहीं है, और वो फिर क्या कहते हैं किस्मत में नहीं था, मतलब हमारा लक नहीं था, और हो सकता है, मुझे तो लगता है आपने दोनों टाइम एग्जाम दिया आपका लक साथ दे गया, तो लक ज्यादा रोल प्ले करता है या हार्डवर्क आपकी मेहनत ज्यादा प्ले करती है, आप जवाब मुझे दो फिर मैं आपसे पूछूंगा। दोनों रोल प्ले करते हैं, अगर आप पढ़ के जा रहे हैं तो लक भी आपके साथ देगा, कहते हैं ना किस्मत उसी की चमकती है जो काम करता है। अच्छा, तो अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं, अगर हम ठीक से पढ़ाई कर रहे हैं तो लक भी आपका ही साथ देगा, आपके पास वही क्वेश्चन आएंगे जो आपने पढ़ रखे हैं, अगर आप पढ़ के नहीं जाते हैं तो फिर बाद में आप ये बोलेंगे अरे मैंने तो पढ़ाई नहीं था। ये तो आपने, आपको लगता है कि धागा चुन चुन के बाद टिक मार्क करते हैं लेकिन वही है कि जब हम पढ़ के जाएंगे जब हम कुछ आता जाता होगा तभी तो हम करेंगे क्वेश्चन। नहीं ये तो है, लक जब तो साथ होगा। अच्छा अब एक सीरियस क्वेश्चन, व्हाट्स योर फ्यूचर प्लान, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपको जिंदगी भर फेस करना है, चाहे आप इंटरव्यू में जाएं, चाहे आपसे कोई आपका रिलेटिव मिलना है बेटा क्या बनना है, या इवन आपके पेरेंट्स ने भी पूछा होगा क्या, डिसाइड भी किया होगा उन्होंने, तो अब तो आप खैर मैच्योर हो गए, सो मैं आपसे पूछता हूँ व्हाट्स योर फ्यूचर प्लान, क्या बनना है आपने? चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीए। सीए, वाओ ग्रेट, एंड व्हाट अबाउट यू? मेरे को एक बिजनेसमैन बनना है। बिजनेसमैन? हां, मेरा टोटली इंटरेस्ट एक बिजनेस में है। ओके, सो अभी आप कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए अब तैयारी कर रहे हैं, बिकॉज यू आर टॉपर, सो ऑफ कोर्स आपके मनचाहे कॉलेज में तो आपका एडमिशन मिल ही जाएगा, सो आप बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, आप सीए बनना चाहते हैं, तो ये शुरू से सोचा था आपके पेरेंट्स ने आपने, या ये मतलब एक 9th 10th तक आते आते माइंड सेट हुआ? मैं तो 10th तक आते आते माइंडसेट हुआ। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का ना यही होता है कि शुरुआत में तो कुछ पता नहीं था, आपने क्या किया शुरू से ही, मतलब बचपन से ही पता था? नहीं, मेरा भी माइंडसेट यही 9 10 ना कि मेरा एक सेट हुआ कि हां मेरे को लाइफ में ये चीज करनी है, ये चीज अचीव करनी है। पर यार एक बात तो है, मैथ्स में कैसे तुम लोग इतना एक्सपर्ट हो गए? मुझे पहाड़े याद है अभी तक और थोड़ी बहुत कैलकुलेशन याद है, उसके अलावा ए प्लस बी का होल स्क्वायर सब दिमाग से ऊपर से निकल जाता है। कैसे तुम मैथ्स में इतनी अच्छी प्रैक्टिस करते हो? व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर गुड मैथ? Practice. Practice. Math is all about practice.
क्या मैसेज आप देना चाहेंगे उन स्टूडेंट्स को जिनके एग्जाम्स आने वाले हैं, चल रहे हैं या फिर वो बस सर पर ही हैं? मैं तो बस यही कहना चाहूंगी कि जो बच्चे ज्यादा मोबाइल का यूज कर रहे हैं वो इतना ना करें, बस अगर जनरल से वो है कि पढ़ाई के रिलेटेड यूज हो रहे हैं कभी गूगल सर्च इंटरनेट से मीनिंग वगैरह जाने के लिए तब उसके लिए ठीक है, वरना अगर सोशल मीडिया वगैरह के लिए चाहिए तो उसके लिए थोड़े दिन अभी रख दीजिए साइड में मोबाइल, क्योंकि उससे हमारी पढ़ाई बहुत डिस्ट्रैक्ट हो जाती है ज्यादातर। हाँ ये तो है, मतलब स्टेटस पे लगा दो माय एग्जाम्स आर गोइंग ऑन प्लीज डोंट डिस्टर्ब। अच्छा ये ठीक है, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे स्टूडेंट्स को जिनके एग्जाम्स अब आने वाले हैं? एग्जाम्स के लिए रेगुलर स्टडीज करिए, रोज बैठिए, अपने एग्जाम अपने होमवर्क को कंप्लीट करिए, मैथ्स है तो उसकी प्रैक्टिस करिए। बेसिकली कहने का मतलब आप सेल्फ स्टडी करिए रोज, और जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो सिर्फ पढ़ाई करिए, मोबाइल फोन को ना हाथ लगाए, कोई बुला रहा है तो ना जाए, डिस्टर्बेंस ना क्रिएट करें, कोई बुला रहा तो भी ना जाए, उसे कह दीजिए कि नहीं मेरे एग्जाम से मेरे को पढ़ना बेटा, तेरा एग्जाम है मैं नहीं आऊंगा मेरे पेपर। चलिए गाइस बहुत बहुत थैंक यू सो मच आप लोगों का, धन्यवाद कि आपने टाइम दिया यार, टॉपर्स के साथ बैठने का अपना एक अलग मजा होता है, काश मैं भी मेहनत करता तो आज मैं इस सीट पर ना बैठकर उस सीट पर बैठा होता। सो चलो कोई बात नहीं जो है, और हाँ मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा एक ऐसे इंसान को भी जो आपके पीछे, जिन्होंने आपकी बहुत ज्यादा मतलब कह सकते हैं कि एक आपको रास्ता दिखाने काम किया। हर एक सफल स्टूडेंट के पीछे एक टीचर का हाथ जरूर होता है, पेरेंट्स मेहनत करते हैं, स्टूडेंट खुद मेहनत करता है, लेकिन टीचर एक ऐसा इंसान होता है जो एक हिडन पार्ट होता है उस पूरे सफर का। सो आपने बताया कि आपने स्टडी की पाशा अकाउंट्स इंस्टीट्यूट से और पाशा सर ने आपको पढ़ाया, सो मैं रियली स्टूडियो में उनको भी थैंक यू बोलना चाहूंगा कि उनके इंस्टीट्यूट से हर साल इतने टॉपर्स निकलते हैं, और इस साल जब मैं कई सालों से एक्चुअली मैं सुनता आ रहा हूँ उनके बारे में, और मैंने सोचा कि यार चलो यार चलते हैं टॉपर्स से मिलते हैं, और आज आपसे मुलाकात भी हो गई, तो रियली थैंक्स टू पाशा सर। So guys, really thank you so much, आपने इतना टाइम दिया, एंड आई होप दैट आपका एडमिशन आपके मन चाहे कॉलेज में ऑफकोर्स होगा, एंड आप आगे भी फिर से टॉप करेंगे फर्स्ट सेकंड एंड फाइनल ईयर में, एंड मैं चाहता हूँ एक बार फिर से फाइनल ईयर में आपसे मिलूं सेम टू। ओके सो थैंक यू सो मच गाइज, अगर आपको और कोई क्वेश्चन पूछना है इनसे बच्चों से तो आप इस वीडियो कमेंट सेक्शन में जाकर पोस्ट कर सकते हैं, ये लगातार नजर बनाए रखेंगे और आपको रिप्लाई जरूर देंगे, और हाँ आप भी मेहनत से पढ़ाई कीजिए, अगर आप टॉप करते हैं तो इसी वीडियो कमेंट सेक्शन में पोस्ट करना, मैं आपके पास भी आ जाऊंगा टॉप तुम्हारा, ठीक है। चलिए अपना ध्यान रखिएगा, इस वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिएगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।